बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हिकरत बसुम, आप देख रहे हैं लर्न विद इकरा। आज हम बनाएंगे कलेजी हांडी और देखते हैं कि ये हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने रफली काट दिया है और उसको प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर इसी में लहसुन को चॉप कर लूँगी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को चॉप कर लेना है आपने, और फिर साथ ही आपने यहाँ पे एक टमाटर लेना है और उसको अपने क्यूब्स में काट लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक बाउल में लिया है दही, ठीक है। यहाँ पे दही में मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे एंड पे जा रहा है तंदूरी मसाला पाउडर, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छे से आपने दही को फेंट लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे मैंने गरम मसाला मिक्स डाला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, और जो हमने चॉप करके रखा था लहसुन और प्याज को वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको तब तक पकाना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, ठीक है जी। तो इसको हम बनाएंगे जी। तो यहाँ भी हमारा देखें जो मसाला ब्राउन हो चुका है, अब हम इसके अंदर कलेजी ऐड कर देंगे। अच्छे से धो के मैंने कलेजी इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ भी हम कलेजी को 10 से 12 मिनट पकाएंगे, ठीक है। 10 से 12 मिनट इसको पकाएंगे इसी तरह यहाँ पे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जी। तो यहाँ पर देखें हम लोग तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने इसको पकाया है, और 10 से 12 मिनट पकाने के बाद अभी हमने जो दही रखा था जिसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छे से आप बर्तन को साफ़ कर लिया करें जी। तो यहाँ पे फ़ौरन डालने से देखें जी, ये जो कलेजी है इसने पानी छोड़ दिया है, और इसी पानी के अंदर हम इसको पकाएंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया, अभी तक मैंने नमक ऐड नहीं किया है, ठीक है। आप यहाँ पे भी अभी भी नमक ऐड कर सकते हैं या थोड़ी देर बाद आप नमक ऐड कर लें, ठीक है। मैंने इसको दम पे रख दिया था, 4 से 5 मिनट दम देने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक को, और आपने चेक कर लेना है अगर तो आपकी कलेजी गल चुकी है, वेल एंड गुड। अगर नहीं गली तो आपने इसको और जो है वो थोड़ी देर के लिए दम दे देना है, ठीक हो गया जी। तो अगर आपको इसके अंदर ग्रेवी पसंद है तो आप इसके अंदर ग्रेवी रहने दें, अदरवाइज़ आप इसका सारा पानी जो है वो खुश कर लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे घर में ग्रेवी पसंद की जाती है तो मैंने इसको सारे को खुश नहीं किया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा जो पानी रहने दिया अंदर। यहाँ पर हमारी जो है वो कलेजी हंडी तैयार है, इसको सर्व करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।